दिसंबर के महीने में साउथ एशिया के हवाले से हर साल एक जायज़ा लिया जाता है कि आफ्टर ऑल इतनी बड़ी डिफीट पाकिस्तान आर्मी को कैसे हुई कि उनके 93,000 सोल्जर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने, और ये सिचुएशन अब 1971 से अब तक आते हुए पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एम्बैरसिंग है बल्कि पाकिस्तान के लिए हमेशा ही ख़तरे का एक निशान रहता है कि क्या पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल से फिर एक बार गुजर सकता है, यानी बलूचिस्तान की सूरत हो या खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हो। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है कि आफ्टर ऑल इतनी बड़ी डिफीट जो गालबन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इस पे बातचीत करेंगे हम हमारे बहुत ही सूझवान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर जनाब धीरज शर्मा जी से, हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने का। सर दिसंबर का ये जो दूसरा तीसरा हफ्ता है, ख़ासतौर पर ये डिबेट बहुत ज़ोरों से रहती है और फिर पाकिस्तान के हालात भी बदले नहीं, 71 से वैसे के वैसे चले आ रहे हैं, हर वक्त डिसमेंबरमेंट की तलवार लटकती रहती है, तो आप इस टाइमलाइन को कैसे देखते हैं? देखें जी के अभी ताज़ा ताज़ा अगर हम देखें तो मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फलस्तीन और इसराइल का। तो फलस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट की अगर लेंथ से हम देखें तो वो कॉन्फ्लिक्ट एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है कि ज्यूज जो हैं और मुसलमान वहां के जो आबादी है उनके बीच। तो ये जब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को एक वो बना दिया जाए बेस, तो उसके ऊपर नेशन स्टेट को कार्व आउट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट एक प्रोसेस होता है। 75 साल से ये लोग लड़ रहे हैं, आज भी रिलीजन के बेसिस के ऊपर एक ज्यूइश स्टेट बनी और उसके खिलाफ एक फलस्तीन एक अलहदा स्टेट बनाने के ऊपर चर्चा चल रही है और आज तक उसके ऊपर सेटलमेंट नहीं। Whereas in Indian context, Pakistan एक स्टेट बनी ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, एक रिलीजन के बेसिस के ऊपर वो एक अलग कंट्री बनाई गई थी और वो डिसमेंबर हो गई। तो मैं इस बात को ये कहना चाहता हूं कि दुनिया 75 साल की पहले ही खड़ी हुई है, उन्होंने कोई lessons नहीं लिए। तो मेरे ख्याल से हमें इस बात के ऊपर भी लेटर ऑन एक तबसरा हमको कमेंट करना चाहिए कि what are the lessons learned from division of India on the basis of religion? आप सोचिए कि इसराइल और पैलेस्टीन 75 साल से वहीं के वहीं खड़े हैं। In the larger sense, Israel has got a small space दुनिया में, सारे वहां पर टोटल मिला के आई थिंक मे बी एट बेस्ट देर आर अबाउट 60-70 मिलियन ज्यूज, इतने ही होंगे मैक्सिमम। जी 7-8 मिलियन जी, हाँ जी सॉरी 7-8 मिलियन 60-70 लाख जी ज्यूज, जो वहां पर 7-8 लाख ज्यूज हैं, 6-7 मिलियन ज्यूज जी दे आर देयर जी 70-80 लाख, हाँ तो करोड़ों की आबादी भारत देश में। 75 इयर्स लेटर आल्सो द वर्ल्ड हैज नॉट लर्न्ड लेसंस। भारत देश में मैं आपके व्यूअर्स को एक लंबा एक हिस्ट्री का एक वो दोबारा मौका एक एक लेसन देना चाहता हूं कि 16 दिसंबर 1971 वाज अ वेरी क्रिटिकल डेट वाज व्हेन बांग्लादेश की फॉर्मेशन की एक वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ और पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया। टोटल मेरे ख्याल से 10-12 दिन की ये लड़ाई चली है और 10-12 दिन की लड़ाई, इससे ज्यादा लंबी लड़ाई तो 1965 में चल गई थी जो कि 17 दिन चली। तो ये सब चीजें
अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप इसका मीनिंग डिस्कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट कि ये मूवमेंट यह है कैसे चालू हुई, ठीक है, लेट अस स्टार्ट कि शुरू कैसे हुआ। इसका जो बेसिस है, दैट बेसिस वॉज सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है जी? खिलाफत मूवमेंट जो है वो जो ऑटोमन एम्पायर था विच वॉज कंट्रोलिंग द सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप टू अ ग्रेट डिग्री, रूल्ड बाय द टर्क्स, वहां पर वो राजा थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब वो हार गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी के साथ मिलकर लड़ाई की थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो हार गए। जब वो हार गए तो ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया। ऑटोमन एम्पायर के अंदर से ही सऊदी अरेबिया निकला, उसी के अंदर से जॉर्डन निकला है, उसी के अंदर से बुल्गेरिया निकला है। ये बहुत सारे देश जो हैं ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर से निकले। ऑटोमन एम्पायर जब वो डिसमेंबर हुआ तो तुर्की एट दैट टाइम वाज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, इन द सेंस के जो खलीफा तुर्की के खलीफा थे, ऑटोमन एम्पायर के खलीफा थे, देवर सॉर्ट ऑफ द डी फैक्टो द सीट ऑफ द स्कॉलरली वर्ल्ड या द पोलिटिकल वर्ल्ड या द रिलीजियस वर्ल्ड ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इस्लाम इन द वर्ल्ड। इट वॉज अ सीट, इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन। जब वो हारे तो वहां पर एक उनके नेता पैदा हुए, मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा ने डिसाइड किया टर्किश सेंटीमेंट के ऊपर कि वी वॉन्ट टू बी यूरोपियन एंड वी डोंट वॉन्ट टू बी पैरोकियल एंड कंजर्वेटिव। तो उन्होंने सो कॉल्ड मैनी वेस्टर्न थॉट्स, वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न वे, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को उस देश में इंट्रोड्यूस। अब आप सोचें, टर्क्स चाहते हैं कि वो वेस्टर्न हो, टर्क्स चाहते हैं कि वो अपना थॉट्स ओपन रखें, टर्क्स चाहते हैं कि उनका एनवायरमेंट लिबरल हो, परंतु टर्किश खलीफा को टर्किश लोगों ने हटा दिया, परंतु उसके लिए सपोर्ट कहां से आ रही है? उसके लिए सपोर्ट आ रही है एक गुलाम मुल्क इंडिया से। इंडिया के उस टाइम के जो मुस्लिम लीडर्स थे, दे वर नॉट वरीड अबाउट द एजुकेशन लेवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट सेटिंग अप मोर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया। एट दैट टाइम इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक साथ था। दे वर बॉदर्ड अबाउट द खलीफा हु वाज सिटिंग इन टर्की, और यहां वो गुलाम है। आप ये सोचिए, वो अंग्रेजों के गुलाम है। और इसको हिस्ट्री किताब में पढ़ाया जाता है खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। नो, इट वाज़न्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, देयर वाज़ नथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। द एरिस्टोक्रेसी ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया, द लैंडलॉर्ड्स ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स ऑफ इंडिया वर एक्चुअली लार्जली प्रो ब्रिटिश, दे वर सपोर्टिव ऑफ ब्रिटिश। इट वॉज ओनली ऑन दिस रिलीजियस मैटर दैट दे सपोर्टेड। ये पहली जो जड़े हैं इस सब कॉन्टिनेंट में ऑफ डिफरेंट थॉट्स, वो सो कर दी गई कि रिलीजन एंड रिलीजियस आइडेंटिटी वॉज रेटेड हायर और रैंक हायर और थॉट ऑफ हायर देन नेशनल आइडेंटिटी। उससे क्या हुआ जी? उसके बाद अंग्रेजों ने ऑलरेडी इसको कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया था टू डिले द फ्रीडम ऑफ इंडिया। उन्होंने इसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज करना शुरू कर दिया। भी उनका एजेंडा था कि हम जितना देर भारत में टिक सकते हैं हम टिक जाएं। इन डिविजन्स की वजह से ही अंग्रेज, वन ऑफ द रीजन, देयर कुड बी अदर रीजन आल्सो, वन ऑफ द मेजर रीजन्स के इन डिविजन्स की वजह से जो आजादी हमको 1921-22-23 में मिल सकती थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपनी परचम पे थी 1921 में, वो हमें 1947 तक हमें वेट करना पड़ा। वन ऑफ द रीजन, मेनी अदर रीजन कुड बी। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लेम करते हैं द सो कॉल्ड लीडरशिप ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान।
बट मैं आज लोगों को एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। वो बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि लाहौर डेक्लेरेशन, जिसे हम बोलते हैं लाहौर रेजोल्यूशन, जिसमें ये कहा गया था कि देर शुड बी ए सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ दिस रीजन और फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, एट दैट पॉइंट इंडिया यूनाइटेड इंडिया था और ब्रिटिश इंडिया, वॉज गिवन बाय नॉट अ पर्सन ऑन द वेस्ट पाकिस्तान साइड बट ए पर्सन ऑन द ईस्ट पाकिस्तान साइड। दैट पर्सन वॉज मौलाना फजलुल, उनका नाम है जहां तक मुझे याद पड़ता जी है जी, मौलाना फजलुल हक, मौलाना फजलुल हक, जो कि बांग्लादेश के, आज मॉडर्न डे बांग्लादेश, और बंगाली थे वो, पंजाबी नहीं थे वो, बंगाली थे। और मौलाना फजलुल हक ने ये डेक्लेरेशन दिया है, जिन्ना ने डेक्लेरेशन नहीं दिया, तो लोगों को ये मैं करेक्शन कर दूं कि जिन्ना ने ये डेक्लेरेशन नहीं दिया था, डेक्लेरेशन वॉज गिवन बाय मौलाना फजलुल हक। मौलाना फजलुल हक बंगाली थे, पंजाबी नहीं थे। तो देखिए, तो पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हाउ बंगालीज ऑल्सो सपोर्टेड वसीफरसली क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। लेटर ऑन दे रियलाइज दैट दे हैड मेड अ मिस्टेक, परंतु उस वक्त In 1940s, they were at the forefront. There were more strong Bengali Muslim leaders who wanted partition of India than there were Punjabi Muslims. There were more strong UP Muslim leaders, jo us waqt central provinces bolte the, who wanted division of India than Punjabi Muslims. To ye main aapko bada thought process, kyunki aaj to wahan par majority population Punjabiyon ki hai. Nearly 58% of the population of Pakistan are Punjabis. Or Punjabis were not at the forefront, by the way, in 1940s. अब मैं आगे आपको बता दूं, जब ये जो division of India हुआ, तो दो fronts में division हुआ है, एक side पंजाब और दूसरी side बंगाल। कश्मीर में तो अभी भी dispute है, चल रहा है। पंजाब के ऊपर बहुत सारी कहानियां बनी हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्रीज की हैं, बट ऑन द ईस्टर्न साइड किसी ने कमेंट्रीज नहीं। ईस्टर्न साइड में इतनी अट्रॉसिटीज हुई हैं कि इन अ सिंगल डे इन द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकटा टेन्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल वर बुचर्ड बाय forces led by one individual who later on became the prime minister of Pakistan. Unka naam tha Sohrawardi. Sohrawardi sahab jo hain, wo Bengal ke prime minister in the sense, us waqt kya tha ke 1940s mein Bengal ka prime minister hua karta. Aapke viewers ko jaankar ye bhi hairani hogi ke 1930s se lekar 1950 tak Bengal ka prime minister hua karta tha. और इंडिया में भी जब इनका डिवीजन हो गया 1947 में, तो 47 टू 1950 ईस्ट बंगाल का जो पाकिस्तान में चला गया, ईस्ट पाकिस्तान उसका प्राइम मिनिस्टर होता था, ईस्ट बंगाल बोलते थे, और वेस्ट बंगाल जो आज भारत की स्टेट है, वेस्ट बंगाल का भी प्राइम मिनिस्टर होता था। 1950 में जब हम एक रिपब्लिक हो गए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, तो वो पोस्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर कर दी गई। और पाकिस्तान में जो ईस्ट पाकिस्तान जो बन गया, उसमें भी वो पोस्ट को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट कर दिया गया। और वहां के जो जो प्राइम मिनिस्टर हैं ईस्ट पाकिस्तान के जो रहे हैं, वो भी सोहरावर्दी साहब प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। सोहरावर्दी साहब को बुचर ऑफ कैलकटा बोला जाता है, बिकॉज ही बुचर्ड द हिंदू पॉपुलेशन इन कैलकटा एट दैट पॉइंट इन टाइम, लेड द फोर्सेस टू बुचर, ठीक है जी। और उसके बाद वो फिर से रिपीट, दे ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये दोज वर द हैप्पी ईयर्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। 1947 में जब डिवीजन हुई, तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों में बड़ी इंजॉयमेंट चल रही, बड़ा अच्छा चल रहा था। वो इसलिए चल रहा था क्योंकि 1947 में पाकिस्तान वॉज नीदर रूल्ड बाय अ पंजाबी
nor ruled by a Bengali. It was ruled by Muhammad Ali Jinnah, who was a Gujarati, who had really no view about either a Punjabi or a Bengali. He was a British educated Gujarati speaking person who did not even impose his own language on the country. As a matter of fact, he made a mistake by going to Dhaka and making a very important speech, whereby he said that there should be a common language for all the Muslims, all the residents of Pakistan, which included East and West Pakistan. He said, and that language has to be Urdu. अब आप सोचिए कितना रिडिकुलस आइडिया है ये कि जिना साहब खुद गुजराती बोलते हैं और उनके जो उस टाइम के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जो थे लियाकत अली खान, वो उनका जो ताल्लुक था वो सेंट्रल प्रोविंस से था. वो यू नो हिंदी उर्दू वाले, मतलब हिंदी बोलने वाले थे, हिंदी बोलते थे, उर्दू तो खैर इतना कोई प्रेवलेंस नहीं थी. जी करनाल से थे ना, और है जी मैंने कहा करनाल से जी थे। करनाल से थे, राइट और करनाल में यू नो हिंदी बोलने वाले, हिंदी स्पीकिंग, और मेजोरिटी ऑफ द अदर लीडर्स फ्रॉम सेंट्रल प्रोविंसेस, पंजाब से कोई नहीं, और बंगाली जो लीडर्स थे उनमें कोई था ही नहीं उस टाइम पे. सो करनाल हरियाणा जो यहाँ हिंदी स्पीकिंग, वहां से तो कोई भी उन्होंने लैंग्वेज बोला कि उर्दू लैंग्वेज बोली जाए. दैट सोड द वेरी सीड्स ऑफ सम डिसेंट इन बांग्लादेश, बट ये इसको एग्जैजरेट किया जाता है. मैनी हिस्टोरियंस एग्जैजरेट दैट स्पीच. उसका रीजन मैं ये बताता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जिना साहब की डेथ तो मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी 1948 में ही हो गई थी, आई थिंक अराउंड दैट टाइम. जिना साहब लास्टेड फॉर अबाउट 6 7 8 months पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन ही डाइड इन एन एम्बुलेंस व्हाइल ही वाज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, एंड द एम्बुलेंस पेट्रोल खत्म हो गया था एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस रास्ते में रुक गई जिससे कि उनको अस्पताल नहीं ले जाया जा सका. ये कंडीशन थी उस वक्त पाकिस्तान की, स्टेट ऑफ मिसमैनेजमेंट इन दैट कंट्री. ऐसा नहीं था रिसोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज थे बट मिसमैनेजमेंट थी. तो आप ये सोचें कि उसके बाद जो पहला प्राइम मिनिस्टर बना वो बना लियाकत अली खान. लियाकत अली खान रिमेन्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर अबाउट 4 years, 4 साल. नाउ आपके जो व्यूअर्स को सरप्राइज होगा कि सेकेंड जो प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, वो है ख्वाजा निजामुद्दीन. ख्वाजा निजामुद्दीन वॉज अ बंगाली. He was not a पंजाबी, he was a बंगाली. इसीलिए अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जामिन करें इन डेप्थ, तो ख्वाजा साहब जो है, तो पाकिस्तान जो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान वॉज डोमिनेटिंग द वेस्ट पाकिस्तान इन दैट सेंस, क्योंकि ख्वाजा साहब के बाद जो अगले जो जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो मलिक गुलाम मोहम्मद, उनको भी अगर हम देखें, उनका जो मतलब उसके बाद जो जो ताल्लुक रहा वो बाय एंड लार्ज, अगेन अगर उनको देखें वो पंजाब के थे, बट उनका ड्यूरेशन वाज नॉट वेरी लॉन्ग. उनकी कोई इतनी लंबी ड्यूरेशन नहीं थी. उनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं जी, उनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद अली बोगरा, वो भी ताहिर साहब मुझे करेक्ट करें, मेरे ख्याल से वो भी बंगाली थे. मोहम्मद अली बोगरा वॉज ऑल्सो बंगाली टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. आई कैन रीचेक इट फॉर यू जी, मुझे नो भी फ्रॉम माई याद नहीं मेमोरी. आप भी एग्जैक्टली कहाँ से थे बोगरा साहब। मोहम्मद अली बोगरा जो है वो, जहां तक मुझे अंदाजा है, मोहम्मद अली बोगरा जी बिल्कुल ठीक, मैंने सही बोला था, ही इज अ बंगाली, ही स्टडीड इन प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कैलकटा, तो वो भी बंगाली थे. मोहम्मद अली बोगरा के बाद जो अगले जो प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के बने हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मतलब ऐसा नहीं है कि यू नो ईस्ट बंगाल का टोटली इग्नोर किया हुआ था इन्होंने. देवर डोमिनेटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, द बंगालीज वर डोमिनेटिंग. उसके अगले जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं चौधरी मोहम्मद अली. चौधरी जो मोहम्मद अली है, वो उनका जो ताल्लुक था वो कराची से था. एक्चुअली वो जलंधर से थे, बट एक्चुअली वो कराची में उनकी डेथ हुई. परंतु उसके बाद
जो अगले उनके जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? वो हुसैन सुहरावर्दी साहब बने हैं। सुहरावर्दी वो अगेन है बंगाली। तो पहले 6 प्राइम मिनिस्टर्स में से एक गुजराती, 2 पंजाबी और 3 बंगाली। तो देवर बंगालीज वर डोमिनेटिंग। ऐसा नहीं है कि वो डोमिनेट नहीं कर रहे थे, दे वर डोमिनेटिंग। उसके अगले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कहां से बने हैं? वो पंजाब के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अगेन ही वॉज नॉट अ पंजाबी। मिस्टर चुंदरी गर्ग अगले प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के। लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि विद इन अ स्पैन ऑफ अबाउट द फर्स्ट 10 और 15 ईयर्स 8-10 प्राइम मिनिस्टर बदल गए थे। चुंदरी गर्ग साहब जो हैं वो गुजरात से थे, वो बंगाली नहीं थे, वो गुजरात से थे। तो अगेन ही वॉज नॉट अ पंजाबी। सो जो आजकल ये जो नैरेटिव चल रहा है कि पंजाबियों ने डोमिनेट किया और बंगालियों को इग्नोर किया, दैट नैरेटिव डज नॉट हैव दैट मच वेट। इट वॉज ओनली वेन दी फोर्सेज वर टेकन ओवर, द रीन ऑफ द कंट्री वॉज टेकन ओवर बाय अ पर्सन कॉल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस्कंदर मिर्जा। एंड बाय द वे, इस्कंदर मिर्जा वॉज ऑल्सो अ, व्यूअर्स अ क्विज फॉर यू, वॉज ऑल्सो अ बंगाली। हाँ जी, बंगाली थे ना जी इस्कंदर मिर्जा साहब। मेरा ख्याल है उनका इस्कंदर भी। मिर्जा साहब। तो आज मैं हिस्ट्री का लेसन दे रहा हूं सबको, जी, इससे आपको ये जो मिथ है ये मिथ टूट जाएगी लोगों की, कि इट इज द पंजाबीज हु वर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द बंगालीज। नो, इस्कंदर मिर्जा वॉज ऑल्सो ए बंगाल। इस्कंदर मिर्जा बिकेम द कंट्रोलर एंड ही इज द वन हु इंस्टीट्यूटेड मार्शल लॉ एंड हैंडेड ओवर द पावर टू अयूब खान, हु प्रोवाइडेड स्टेबल लीडरशिप टू पाकिस्तान। आई एम नॉट सेइंग गुड, बैड और अगली, आई सेड स्टेबल लीडरशिप। सो इस्कंदर मिर्जा साहब जो हैं वो रहे हैं प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1956 टू 1958। उन्होंने उसके बाद पावर हैंड ओवर कर दी अयूब खान को, हु वाज अ जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। एंड अयूब खान साहब जो है 1958 से लेकर 1969 तक 11 साल उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर राज्य किया, राज किया विद आयरन फिस्ट। बट हु गेव हिम द पावर? द पावर वॉज गिवन बाय अ पर्सन ऑफ ईस्ट बंगाल। इस्कंदर मिर्जा वॉज अ बंगाली। So if you review this carefully, Pakistan in its initial years, out of 7, 8 or 9 prime ministers, had 4 or 5 prime ministers from East Bengal. It was only at this point in time that Ayub Khan, again, Ayub Khan ruled for 11 years. Where was Ayub Khan from? Was he a Punjabi or a Bengali? Pathan. He was neither a Punjabi nor a Bengali. He was from Northwest Frontier Province. He was a Pathan. He was a Pathan. जी He was born in Northwest Frontier Province, which जिसको आजकल हम खाइबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, वहां पैदा हुए थे। He was a person of the British Army and he had all ingredients of the British Army officer. 11 साल उन्होंने रूल किया। 11 साल रूल करने के बाद जब उन्होंने 1965 की जंग में एक बहुत बड़ा सेटबैक भारत के हाथों खाया, तो उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई और पाकिस्तान को एक बुरे हालात में पहुंचा दिया उन्होंने इकोनॉमिकली। बिकॉज उस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी ये होती थी कि जैसे जैसे पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज इकट्ठे होते थे, वो उन रिसोर्सेज को इकट्ठे करके इंडिया के ऊपर एक लड़ाई थोप देता था। तो 65 की लड़ाई का आउटकम बहुत पुअर निकला। 65 का आउटकम ये था कि वो लड़ाई हार गए पाकिस्तान लॉस्ट मोर टेरिटरी, लॉस्ट मोर मैन, lost more ammunition, and they were really puzzled by the fact that despite having better tanks, having more tanks, having more resources, more money, less population to manage, they lost the war. 17 din wo ladai chali par wo haar gaye. Usse Pakistan ki economic condition kharab hui. 1968 mein
उन्होंने अपने अपनी पावर को हैंडओवर करने का सबसे बेहतर तरीका उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने सबसे बेहतर तरीका ये बनाया जी कि उन्होंने अपनी पावर को हैंडओवर कर दिया अपने ही एक लेफ्टिनेंट को, मतलब उनका जो यंगर ऑफिसर वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल याया खान, याया खान जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, सॉरी प्रेसिडेंट बना दिया, चीफ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। याया खान साहब ने पाकिस्तान के ऊपर 1969 से लेकर मेरे ख्याल से 1974 या 75 तक, आई थिंक अराउंड दैट टाइम उन्होंने रूल किया। नो, माय करेक्शन, आई थिंक 71 या 72 तक उन्होंने उन्होंने रूल किया, 71 72 जी, तक। 72 तक उन्होंने है। भी उन्होंने रिसोर्सेज उनके पास दोबारा आए, एट दैट पॉइंट इन टाइम दे हैड अ क्लियर स्ट्रेटजी कि उन्होंने अमेरिका से अलायन कर लिया था, अमेरिका के साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था। रिचर्ड निक्सन एट दैट टाइम द अमेरिकन प्रेसिडेंट हेटेड इंडिया एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन पॉलिटिशियंस एंड हैड डेवलप्ड अ वेरी जेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान, और पाकिस्तान को उन्होंने बेहतरीन आर्मामेंट दिया, बेहतरीन एयरफोर्स सपोर्ट दी, और सारी फुली अलाइंड विद पाकिस्तान उनका मामला चल रहा था। ऑन द अदर हैंड इंडिया हैड बिकम अंडर दी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी क्वाइट क्लोज टू यूएसएसआर। इंडिया हैड ऑल्सो स्टार्टेड टू डेवलप सम लिंकेजेस एंड डेवलप मोर 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 क्लोजनेस विद विद यूएसएसआर, और 72 के बाद तो क्लोजनेस और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि 71 की वॉर एकदम नहीं हुई, एकदम मुलफज नहीं हुई। तो मैं अब अगला जो 15 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट जो लूंगा वो मैं 71 की और एक प्रिमिस देना चाहता जी, इससे पहले कि आप उसकी तरफ आएं, मैं आपकी जो बातचीत है उसको एक और एंगल के साथ भी देखना चाहता हूं। आपने बातचीत शुरू की, पैरेलल ड्रॉ किया, इजराइल फलस्तीन, ये जो मजहबी जंग है, इधर पाकिस्तान का कार्व आउट होना, पाकिस्तान का बनना, पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी एक मजहबी है। आपने एक बड़ा अच्छा इसमें एक और थर्ड एंगल पेश किया जो ऑटोमन एम्पायर का था, कि ऑटोमन एम्पायर की सपोर्ट भारत, यानी उस वक्त के यानी प्री पार्टीशन भारत के मुसलमान कर रहे थे, यानी बंगाली मुसलमान भी, जो पाकिस्तान बना बाद में उसके मुसलमान भी, और यूपी सीपी और भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान भी, जबकि वो मुसलमान अंग्रेज़ों के सपोर्टर थे, वो जो एलीट मुसलमान थे, एक तरफ वो अंग्रेज़ों के सपोर्टर थे, दूसरी तरफ से वो मज़हब चाहते थे, उम्मा चाहते थे। लेकिन हम आज प्रोफेसर ये देखते हैं कि ये जो बर्रे सगीर के मुसलमानों का, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इवन अफ़गानिस्तान भी मैं शामिल कर लेता हूँ, और भारत के मुसलमानों का जो इस्लाम है, ये जो इनका इस्लामिक आइडेंटिटी क्राइसिस है, जो असल मुसलमान हैं अरब दुनिया के, वो तो इसको मानते ही नहीं है, वो तो इनको किसी खाते में नहीं लाते और लाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज बिकॉज इस्लाम उनकी धरती से फूटा है, अरबी उनकी ज़ुबान है, कुरान शरीफ उनकी ज़ुबान है, वो इनको किस घास तक नहीं डालते, और ये अपने देखिए अपने कन्फ्यूजन में घुसे हुए हैं प्रोफेसर, आज भी घुसे हुए हैं। बांग्लादेश अलग हो गया, एक अलग मुल्क बन गया। हमने जो हमारा थीसिस है, जो थीम है, वो ये कि क्या पाकिस्तान अपने इस आइडेंटिटी क्राइसिस में और डिसमेंबर होगा, यानी इस्लाम का तो ठेका लिया हुआ था मगर बंगाली मुसलमानों को मारा, आज बलोच मुसलमानों को मार रहे हैं, पख्तून मुसलमानों को मार रहे हैं, अफगान मुहाजरीन को बाहर फेंक रहे हैं, वापस फेंक रहे हैं, तो ये इस्लाम का फिर चूरन क्यों है, और डिसमेंबरमेंट की तरफ, एक और डिसमेंबरमेंट की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। देखें जी, ये जितनी जल्दी लोगों के समझ में आ जाए कि रिलीजन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ अ नेशन स्टेट, ये जो उम्मा की बात होती है इसको सबसे, तीन चार मैं एग्जांपल अभी दे देता हूं आपको। अभी जो पैलेस्टाइन के जो मुस्लिम हैं, जो इसराइल वहां पे बॉम्बिंग कर रहा है, तो
उनको उनको शेल्टर क्यों नहीं दिया जा रहा? व्हाई आर दे नॉट गिवन इमिग्रेशन टू सम ऑफ दी रिच मिडल ईस्ट कंट्रीज? उसके ऊपर अभी ताजा तरीन स्टेटमेंट्स आई हुई हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन, सबने स्टेटमेंट्स दे दी हैं। बट यू नो इफ देर आर व्हाई देर इज नो वेलकमिंग व्हेन देर इज अ प्रेशर ऑन यूरोप टू टेक इमिग्रेंट्स, तो यहां भी इमिग्रेंट्स ले सकते हैं वो, तो वो इसलिए नहीं, वो कहते हैं इनके देश का मामला है, वो अपने देश के हिसाब से। तो ये जो कन्वीनियंस जो है, कन्वीनियंस के कब हम उम्मा हो जाते हैं और कब हम अलहदा हो जाते हैं, दैट कन्वीनियंस हैज टू स्टॉप। नेशन स्टेट्स का जमाना है, नेशन स्टेट्स की तरह ही रहना पड़ेगा इन द नियर फोरसीएबल फ्यूचर। अब अगले 100 साल बाद क्या हो जाए मुझे नहीं मालूम, बट इन द नियर फोरसीएबल फ्यूचर ये ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो जो जहां पर हमने बात छेड़ी थी, अगर मैं उससे से कनेक्ट कर दूं, तो आई बी एबल टू गिव अ बेटर आंसर। 1971 के बिगिनिंग तक पाकिस्तान में कोई, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान ही देख रहे थे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वॉज दिस, दैट देर वॉज अ ह्यूज हिंदू पॉपुलेशन इन बांग्लादेश। ऑलमोस्ट 30-35% ऑफ द पॉपुलेशन इन द ईस्ट पाकिस्तान वॉज हिंदू, एंड अबाउट 8-9% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वेस्ट पाकिस्तान वॉज हिंदू। टूडे दैट पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज इन द वेस्ट पाकिस्तान इज लेस देन 1%, एंड द पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश इज नाउ इन सिंगल डिजिट्स, मे बी 9-10%, वो 30% से। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हुआ ये कि आपस में जो कल्चरल डिफरेंसेस ओवरवेल्म, तो एक कई स्टेटमेंट्स इसके ऊपर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं, कई किताबों में ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं कि पाकिस्तान के जो जनरल्स थे या हुक्मरान थे वो ये कहते थे कि इन काले छोटे बंगालियों से हम कैसे मिल सकते हैं, इनके साथ हम कैसे रह सकते। दिस वॉज द दीज वर द वर्ड्स यूज बाय द रूलर्स और द रूलिंग क्लास ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान। देर वॉज अ डिस्डेन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान, ये भी लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ईस्ट पॉपुलेशन, ईस्ट पाकिस्तान की आबादी जो बांग्लादेश बना उसकी आबादी वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थी, और जब वो वहां के जो जो लोकल पार्टी वहां के वो डिसग्रंटल होकर उन्होंने अपनी अवामी लीग एक पार्टी बना दी, जिसके लीडर बाद में मुजीबुर रहमान जो उनके लीडर बने, शेख मुजीबुर रहमान ने, वहां पर इलेक्शन हुई, इलेक्शन इलेक्शन में मेरे ख्याल से 12-2 सीट्स, 160 odd सीट्स चाहिए थी दोनों को मिलाकर, उनकी 168 सीट बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से पूरी हो गई, 2 सीटें आ रहे थे वहां से। और ऑन दी अदर साइड जो भुट्टो साहब थे हु वाज कंटेस्टिंग द इलेक्शन फ्रॉम पीपीपी, वो मेरे ख्याल से तकरीबन ओनली 60-70 सीटें थी उनके पास, मेरे ख्याल से टोटल मिलाकर 70-71 सीटें होंगी, एंड बट ही हैड द मेजोरिटी ऑन द इन द वेस्ट पाकिस्तान। बट आप सोचें कि एक बंदा जिसके पास कोई, देर इज नो कॉन्टेस्ट, एक 160 सीटें लेके बैठा हुआ और एक बंदे का 70-80 सीटें हैं, बट वो पावर ट्रांसफर नहीं कर रहा, बिकॉज दे हैड मेड अप देयर माइंड दैट दीज पीपल वर कल्चरली डिफरेंट एंड रेशियली इंफीरियर टू देम, दैट वी कैन नॉट हैंड ओवर द पावर टू दीज पीपल। इतना रेसिज्म एट दैट पॉइंट इन टाइम, द रिलीजियस आइडेंटिटी टुक अ बैक सीट एंड बुचरिंग ऑफ बंगालीज took place between February 1971 all the way till about December 1971. Numbers are huge. Numbers range anywhere between 56,000 to 31 lakhs. अब मैं 31 lakhs का नंबर ऐसे बता सकता हूं क्योंकि वहां वहां पर एक साइक्लोन आया था एट दैट पॉइंट इन टाइम, भोला साइक्लोन का नाम था जहां तक मुझे याद है। दैट साइक्लोन रिजल्टेड इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एंड किलिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज साइक्लोन, एंड मेनी पीपल वर रेंडर्ड होमलेस एंड विदाउट फूड।
वेस्ट पाकिस्तान ने उनको कोई एड ही नहीं दी। तो अगर आप उन लोगों को इंक्लूड कर देंगे हु वर फोर्स्ड इनटू डेस्टिट्यूशन एंड डेथ, देन दैट नंबर विल टच 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप ऑपरेशन सर्चलाइट को पकड़ें तो उस ऑपरेशन सर्चलाइट के अंदर तकरीबन द कंसेंसस नंबर रेंजेस एनीवेयर बिटवीन 30,000 टू अबाउट 1 लाख पीपल। ये भी कोई छोटा नंबर नहीं है जिनको पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स ने अपने नुमाइंदों के साथ मिलकर, सिविल नुमाइंदों के साथ मिलकर ऑन डेली बेसिस लोगों को मारा है ओवर अ पीरियड ऑफ 8-9 months। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वर रेप्ड, सो मच सो दैट बुक्स हैव बीन रिटन, अकाउंट्स है इसके ऊपर। हुदूद रहमान कमीशन, हुदूद कमीशन मेरे ख्याल इसके ऊपर कमीशन बनाया था, उस कमीशन की रिपोर्ट अब पब्लिकली अवेलेबल है। And that commission report categorically talks about all these atrocities which were committed on the Bengalis. And Bengalis ने उसको कैसे बर्दाश्त किया है, ये भी एक मतलब उनकी एक हिम्मत है कि वो बर्दाश्त करके इतना ज्यादा, and they came out. Of course, you know, Mukti Bahini was raised. India provided whatever support was needed to East Pakistan, which later on became Bangladesh. 1971 की जंग जो है इंडिया ने स्टार्ट नहीं की थी, ये भी मैं लोगों को बता दूं। इंडिया ने प्रोवाइडेड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू और सम सपोर्ट टू द ईस्ट पाकिस्तान, वहां पर मुक्ति बहिनी अपनी लड़ाई लड़ रही थी अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस विच वाज ह्यूज इन नंबर, लैक्स। पैरामिलिट्री फोर्सेस को अगर जोड़ा जाए, पुलिस को जोड़ा जाए, सेवरल लैक्स। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ा जाए तो मेनी मोर लैक्स, जो रोज वहां पर रेपिंग कर रहे थे और मराडिंग कर रहे थे। उनकी अट्रॉसिटीज के दौरान मुक्ति बहनी लड़ रही थी। पाकिस्तान ने ओइंग टू इंडिया में 1 करोड़ के करीब शरणार्थी, माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश केम टू इंडिया, 1 करोड़ प्लस पीपल, कैन यू इमेजिन, जो बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आ गया था उस टाइम पे। तो इंडिया वेंट डोर टू डोर कैनवासिंग कि हमारी मदद करो, किसी ने इंडिया की मदद नहीं की। बिकॉज यूएस, हेनरी किसिंजर वॉज अ फॉरन फैक्ट्री ऑफ द यूएस, and Richard Nixon were fully in support of Pakistan and they were turning a blind eye to whatever was going on and nobody cared about what atrocities were happening on this side. So jab ye ladai hui to ladai kaise hui ki India ne jab open support dena shuru kar diya ki bhi ye to support deni padegi to Pakistan ne India ke 13 air bases ke upar air raids kiya in a very short span of time, in a day or two. 13 एयर बेसिस पे कंकरेंट अटैक किया, जिसके रिस्पांस में इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर को ब्रीच किया एंड इंडिया लॉन्च्ड एन ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं फॉल ऑफ ढाका, 16 दिसंबर। भारतीय इंडियन आर्मी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है कि 3,000 के करीब मेरे ख्याल से पैरा कमांडोज लैंड हुए ढाका में, उन्होंने ढाका कैप्चर किया। पाकिस्तान आर्मी रिफ्यूज टू फाइट आफ्टर अ फ्यू डेज। 93,000 soldiers and hundreds of officers with arms and ammunition surrendered. वो लड़ सकते थे, वो उन्होंने लड़ना पसंद नहीं किया, because they knew. And just imagine, this was when Pakistan had superior armory, had unbridled support from the US. इतनी support थी कि US का जो जो उनका उनका aircraft carrier है, न्यूक्लियर आर्म्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और यूके का न्यूक्लियर आर्म्ड एयरक्राफ्ट, बोथ मूव्ड टुवर्ड्स इंडियन ओशन, टुवर्ड्स कैलकटा, इंडिया को थ्रेट देने के लिए। एट दैट पॉइंट इन टाइम रशिया, यूएसएसआर ऑल्सो गेव अ थ्रेट ऑफ मूविंग देयर एयरक्राफ्ट कैरियर एंड सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन वॉज रीच। दैट्स वाई इंडिया नेवर मेड एनी टेरिटोरियल गेन्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। और बांग्लादेश को उन्होंने, जहां तक मुझे लगता है, ये मेरा असेसमेंट है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, कि वेस्ट पाकिस्तानी खुश थे कि हमें निजात मिल गई इन लोगों से। दे वर हैप्पी टू गेट रिड ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश। और यही एटीट्यूड उन्होंने, इतना बुरा एटीट्यूड उन्होंने बंगालियों के साथ रखा, सेम एटीट्यूड दे हैव टूवर्ड्स बलोचिस्तान। दे विल बी हैप्पी टू गेट रिड ऑफ बलोचिस, बट दे वॉन्ट टू रिटेन बलोचिस्तान बिकॉज वो टेरिटरी बहुत बड़ी है। बलोचिस्तान इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एरिया ऑफ पाकिस्तान। इतना बड़ा स्टेट है, उसकी आबादी सिर्फ 4% है, 5% है पाकिस्तान की। उसमें नेचुरल रिसोर्सेज, मैं आपको नंबर देता हूं, एट वन पॉइंट इन टाइम इन 90s
27-28% of the entire gas production and utilization in Pakistan used to come from Balochistan. Now it is down to 5% because you have not developed the infrastructure there. And people are suffering. So again, this callous attitude jo hai, towards its own people. Balochistan, ko, jo, unhone, jo apni path, wo, actually they are aiding and abetting through their policy the dismemberment of their own country. Because they have got a very, very myopic view over a period of time, which is largely controlled by a handful of people who largely control either their military infrastructure or military in general. Balochistan ko bhi main, in conclusion, Tahir sahab, agar main bataun, to Balochistan ki agar aap mujhe permit karenge, to uski bhi main history de deta hun, ki wo bhi Bangladesh ban sakta tha. अगर इंडिया उसमें इंटरवीन कर देता, इंडिया ने इंटरवीन नहीं किया, अदरवाइज उसको बलूचिस्तान, उसको बांग्लादेश बनने में भी ज्यादा देर नहीं लगती. तो आई थिंक व्हेन यू परमिट मी, तो आई विल गिव यू इन 5 मिनट्स द हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान एंड हाउ इट हैज कम टू बी टुडे. जी, हम उसकी तरफ बिल्कुल आ रहे हैं. प्रोफेसर, आपने बहुत तफसील के साथ हमारे व्यूअर्स को बताया कि किस तरह पाकिस्तान की जो एट्रोसिटीज थी अपने ही मुसलमान बहन भाइयों के ख़िलाफ़, यानी बंगालियों के ख़िलाफ़ रहीं, और आपने कहा कि अब बलूचिस्तान भी उसी धारे पे खड़ा है. अभी रिसेंटली कुछ हमें बाज़गज सुनाई दे रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से, अमित शाह जी के हवाले से, कि शायद वो, जैसा कि दिख रहा है दुनिया को, कि मोस्ट लाइकली अगली गवर्नमेंट भी बीजेपी की बनेगी, और जो पिछली अभी सरकार अभी चली रही है, इसमें एक बहुत बड़ा वाकया हुआ August 5, 2019 को, कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35A हुआ, जिसके बारे में भारत में भी सोचा नहीं जाता था कि ऐसा कभी होगा, और वो हुआ और सब चीज़ें स्मूथली चली, कश्मीर तरक्की कर रहा है. अब ये हमें बाज़गज सुनाई दे रही है कि जैसे ही री इलेक्ट होती है भारत की यही पॉलिटिकल जमात की सरकार 2024 में, तो शायद जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर भी कब्ज़ा कर लिया जाए. ये एक अलार्मिंग बेल है पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान के जो इस वक्त के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर कक्कड़, वो ऑलरेडी दुहाइयाँ दे रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ दुनिया का प्रेशर है कि भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करें अगर आपने सरवाइव करना है तो. अब एक तरफ तो इनको पीओके से भी ख़तरा है, बलूचिस्तान अगर भारत ने थोड़ा सा भी साथ दे दिया, चूँकि बलोचों को गिला ही भारत से ये है कि भाई हमारे साथ की बात तो करते हैं मगर मदद कोई नहीं होती, अगर वो मदद उनको मिल जाती है, जो ज़रा टेक्निकली मुश्किल है, बांग्लादेश की सूरत में आसान था चूँकि बॉर्डर साथ थे, लेकिन अगर वो मदद मिलती है तो पाकिस्तान के लिए वो चैलेंज है. उधर तालिबान तैयार बैठे हुए हैं, तो ये सूरत हाल जो आप अपना पूरे का पूरा मज़ीद थीसिस पेश करना चाहते हैं, मेरे सवाल के साथ भी जोड़िए इस सारी बात को. देखिए जी, मैं बलूचिस्तान की थोड़ी हिस्ट्री देना चाहूंगा. जी जी, पहले दीजिए. बलूचिस्तान जो स्टेट है वो मेरे ख्याल से 3 या 4 प्रोविंसेस, अगर मैं कोई नाम भूल जाऊं तो आप मदद कर दीजिएगा, लास बेला, मकरान, कलात और एक और स्टेट मेरे ख्याल से मिलकर बलूचिस्तान. जी, ये डिविजन्स है ना वहां की. जी हाँ, ये डिविजन्स थी. जी, ये पहले अलग प्रिंसली स्टेट्स थी. राइट राइट. इनका राजा जो था वो कलात का राजा, वो डोमिनेंट था. कलात एक बड़ी स्टेट थी, तो उन्होंने मिलकर इसको एक स्टेट बनाया. तो ऐसा है कि मैं आपको, लोगों को, व्यूअर्स को जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि अंग्रेजों का कभी डायरेक्ट राज्य ही नहीं था बलूचिस्तान के. तो बलूचिस्तान वॉज नॉट इन द लिस्ट ऑफ प्रोविंसेस जिसको इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करना था. तो मैं आपको बताता हूं, वहां 3 लिस्टें थी. पहली लिस्ट वो थी कि जो लिस्ट बनेगी जो इंडिया को ज्वाइन करेंगे, दूसरी लिस्ट ये थी जो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे. तो एक लिस्ट तो उन्होंने बना दी उन प्रोविंसेस की जिनको चूज करना है वेदर दे वांट टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान. उसके अंदर से 2 लिस्टें बन गई, इंडिया वाली और पाकिस्तान वाली. एक सेकेंड लिस्ट थी ऑफ प्रोविंसेस जिसमें नेपाल, भूटान ऐसी और बलूचिस्तान, ये ऐसी प्रोविंसेस थी जिनको ये राइट दिया गया था बाय द ब्रिटिश को वो अपनी इंडिपेंडेंस रख. इसलिए नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, भूटान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है,
बलूचिस्तान वॉज ऑल्सो ऑन दैट लिस्ट। तो 1947 में बलूचिस्तान के जो राजा थे उन्होंने ये डिसाइड किया वो ना इंडिया ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, ही विल रिमेन इंडिपेंडेंट। तो वो इंडिपेंडेंट हो गए। जब वो इंडिपेंडेंट हो गए तो अंग्रेजों ने उनको एक तरह से पहले तो इंडिपेंडेंट होने अलाउ किया, उसके बाद उनका जो राजा है वो इंग्लैंड गया। जब वो इंग्लैंड गया तो वहां उन्होंने उसको मटेरियल सपोर्ट देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे आप कुछ वेपन्स कुछ 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 दें कि मैं अपने इसको डिफेंड कर पाऊं। मैं दिस इज एट द सेम टाइम जब पाकिस्तानी आर्मी पूरी मुलबस थी उधर कश्मीर में, बिकॉज अगेन लोगों को यह पता होना चाहिए वहां पर कबायलियों का अटैक नहीं था, तो कबायली जरूर होंगे बट देवर ऑल इररेगुलर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी सपोर्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी टू अटैक इन कश्मीर, बिकॉज कश्मीर एट दैट पॉइंट वॉज स्टिल थिंकिंग कि कहां जाए कहां नहीं जाए। फिर कश्मीर ने इंडिया को एक्सीड कर दिया, तो इंडियन आर्मी ने वहां आकर इंटरवीन करके कश्मीर को काफी हद तक अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद वो यूएन चले गए वो अलग बात है, पर इंडियन आर्मी को आने के लिए द प्री कंडीशन वॉज दैट कश्मीर हैड टू मेक अ चॉइस। कश्मीर वॉज नॉट गिवन अ चॉइस टू रिमेन इंडिपेंडेंट, कश्मीर वॉज नॉट ऑन दैट लिस्ट, बलूचिस्तान वॉज ऑन दैट लिस्ट, तो बलूचिस्तान सेड वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट। तो व्यूअर्स आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर नियरली वन ईयर, नीदर गोइंग टू इंडिया नॉर गोइंग टू पाकिस्तान। उस एक साल के बाद बलूचिस्तान ने के जो 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 राजा कलात उसके ऊपर इन्होंने उसको प्रेशराइज करना शुरू किया मिलिटरीली पाकिस्तान आर्मी ने, और जब वो प्रेशराइज किया तो उसने अपने जो किंगडम को फिर से चार डिविजन में बांट दिया, और वहां के लोगों को कन्विंस किया गया कि वो पाकिस्तान ज्वाइन करें एज ए लूज फेडरेशन। तो बलूचिस्तान रिमेन्ड एन ऑटोनोमस यूनिट ऑफ पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट 15 to 16 ईयर्स। पहले वो इंडिपेंडेंट रहा, देन इट रिमेन्ड एन ऑटोनोमस यूनिट, पर्टिकुलरली कलात रिमेन्ड ऑटोनोमस यूनिट ऑल द वे टिल द एंड ऑफ 1950s एंड अर्ली 60s। इट इज एट दैट पॉइंट इन टाइम दैट इट वॉज लार्जली एनेक्स्ड, एनेक्स करके एनेक्सेशन ही है एक तरह से, क्योंकि उनके पास अपनी फौज नहीं थी, उनका अपना कुछ नहीं था, तो उनके जो बड़े वढेरे थे उन्होंने अग्रीमेंट साइन किए इनके साथ, क्योंकि उनको भी वो लैंड लॉर्ड्स थे उस टाइम पे, बजिंजो साहब थे, अताउल्लाह मंगल साहब थे, और ये सब लोग बुक्ति ट्राइब के कुछ लोग थे, इन लोगों ने अग्रीमेंट साइन किए फॉर मेंटेनिंग देयर ऑटोनॉमी। बट बाद में उनकी ऑटोनॉमी जब उनसे छीन ली गई और उनकी जो जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की गई उससे वो लोग दे बिकेम वेरी वेरी मिलिटेंट। तो 1960s में बलोचिस्तान की जो मूवमेंट फॉर सेपरेशन बिकेम इवन वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके कुछ और भी रीजंस हैं कि उनको आर्म्स एंड एमुनिशन की सप्लाईज जो हैं वो ईरान के थ्रू बाकी देशों से भी आनी शुरू हो, तो उनके पास लड़ने के लिए कुछ तो उनके हाथ में हथियार आ गए। जब वो हथियार आए तो उन्होंने लड़ना शुरू किया, और उस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम लोग भारत देश मेरे ख्याल से अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, हमने डायरेक्ट सपोर्ट उनको कहीं नहीं दी। तो आपके व्यूअर्स को मैं एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि वो जो 93,000 सोल्जर्स जो इंडिया ने छोड़े और ऑफिसर्स छोड़े, उनकी पहली डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में, वो सारे लोग जो कि यहां शर्मिंदा हुए थे बिकॉज दे हैड सरेंडर्ड, दे अर्नड देयर कलर्स बैक बाय फाइटिंग इन बलूचिस्तान against the Balochis with the support of Iran. Iran provided Cobra helicopters to Pakistan army to fight, because ये जैसे अगर इंडिया के लोग अगर कोई देखे हो तो चंबल का एरिया है, वहां पर टीले हैं, largely a barren land, वहां पर इतनी agricultural growth नहीं होती, तो वहां पर लड़ाई करने के लिए there are many places to hide, तो helicopters were very quite found to be quite useful. तो हेलीकॉप्टर्स ईरान ने दिए, और इन्होंने ये 93,000 सोल्जर्स में जो मेजॉरिटी ने वहां सर्व किया, और वहां पर बुचरिंग ऑफ बलोचिस टुक प्लेस, बिकॉज उनके पास इतना आर्म्स एमुनिशन, इतनी आर्टिलरी, इतना मोर्टर था नहीं, आर्टिलरी तो बिल्कुल भी नहीं थी, मोर्टर वगैरह थोड़ा बहुत होगा, कुछ वेपन्स होंगे, उन्होंने लड़ा जितना लड़ सकते थे।
तो 1973-74 तक इन्होंने बलूचिस्तान की जो जो आर्म्ड स्ट्रगल थी उसको काफी हद तक खत्म कर दी। उसके बाद वो लोग थोड़ी बहुत आर्म्ड स्ट्रगल करते हैं, बट पीसफुली दे हैव बीन ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट ऑल्सो, पोलिटिकली दे हैव बीन ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट ऑल्सो टू कम आउट। वहां पर मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, वहां पे कॉपर पाया जाता है, वहां पे गैस है, सफिशियंट गैस और सफिशियंट कॉपर के वो अपनी इकोनॉमी को, बलूचिस्तान की इकोनॉमी को रीजनेबल लेवल पे रख पाए। परंतु पाकिस्तान ने उसको भी एक्सट्रैक्शन, उसका पहले एक्सप्लॉयटेशन हुआ, बाद में अब वो बिल्कुल बंद हो गया है। अब वहां से सीपैक निकलता है और वो आज तक वो यूटिलाइज नहीं हो पाया बिकॉज दैट एरिया रिमेन्स अनस्टेबल। ऑलमोस्ट एवरी वीक देर इज वन और दी अदर, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स की बात करें मतलब डॉन वगैरह अगर आप पढ़ लें तो उसमें आता रहता है कि वहां पर कोई ना कोई बॉम्बिंग, कोई ना कोई टेरर अटैक होता ही रहता है। दैट्स पार्ट ऑफ द आई थिंक स्टिल रिबेलियन अगेंस्ट दी एट्रोसिटीज विच हैव बीन कमिटेड इन बलोचिस्तान, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को मिटाना चाहते हैं। ऐसे जैसे उनकी लैंग्वेज बंगाली थी, इनकी जो लैंग्वेज ब्रूही है, ब्रूही, दैट लैंग्वेज हैज सिमिलैरिटी विद द्रविड़ियन लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज हैज सिमिलैरिटी विद तेलुगु एंड तमिल। तो आपको हैरानी होगी उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को मिटाना मुश्किल है, वो लड़ रहे हैं। उसी तरह से जो पश्तून है उनकी भी कल्चरल आइडेंटिटी है, उनकी अपने ट्राइबल लॉज हैं। तो ये अगर आइडेंटिटी को मिटाना ये बड़ा मुश्किल काम है। आई थिंक दे नीड टू टेक अ कॉल कि एक तरफ आप रिलीजियस लाइन पकड़ लेते हैं, दूसरी तरफ आप नॉन रिलीजियस लाइन पकड़ लेते हैं। अभी अफगानियों के ऊपर ये मुलव्वस कर दिया है दैट दे नीड टू कैरी देयर आइडेंटिटी कार्ड एंड दे नीड टू कैरी देयर पासपोर्ट्स ऑन द बॉर्डर, नहीं तो उनका मास स्केल में उनको वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। हु आर ऑन द बॉर्डर्स, द सो कॉल्ड अनडिमार्केटेड बॉर्डर ऑफ द ड्यूरेंट लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस रहेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ द कंफ्यूज्ड स्टेट, एक कोई पॉलिसी नहीं है, इट्स कंप्लीट क्योस। तो अगर फर्दर डिसइंटीग्रेशन पाकिस्तान में होती है, इट इज नॉट समथिंग यू नो जिसके लिए कोई फॉरेन सपोर्ट या फॉरेन एडिंग एंड अबेटिंग की जरूरत है। दे आर वो खुद को ही मेरे ख्याल से अपनी पॉलिसी से ही उसको एड एंड अबेट कर रहे हैं टू हेसन द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जी, आपने कहा कि वो जो कुछ हो रहा है वो खुद ही ऑटो पायलट में है अपनी डिसमेंबरमेंट की तरफ। आखिर में प्रोफेसर इसको कैसे समाप्त करेंगे जब दो सिचुएशन साथ साथ चल रही है, इधर अफगानिस्तान से, इधर भारत के साथ पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक एडवाइस भी है, एक एक दबाव भी है पाकिस्तान पे कि भारत के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें, मगर भारत इंटरेस्टेड नहीं है। इस सारी सूरत हाल में ये जो आपने हिस्ट्री बताई, इस हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ब्रीफली हमें कंक्लूड करते हुए बताइए कि कितने बड़े चैलेंजेस हैं भारत के साथ, ताल्लुकात क्या बेहतर हो सकते हैं सारे पाकिस्तान के रेटरिक के बावजूद, और अफगानिस्तान के साथ बेहतर हो सकते हैं क्योंकि नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, जो लगता है कि शायद एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उन्होंने अभी पिछले हफ्ते कहा है कि भारत अफगानिस्तान और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात के बगैर पाकिस्तान कहीं नहीं जा सकता। तो ये सूरत हाल आपको कैसी दिखती है? मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान उनको ये करना चाहिए कि दे मस्ट हैव गुड रिलेशनशिप विद देयर नेबर्स, और ये जो उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज हैं इनको उनको कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, इंडिया हैज नो टेरिटोरियल एम्बिशन। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं, इंडिया के टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है। अगर टेरिटोरियल एम्बिशन होती तो जब हमने 1971 में बांग्लादेश को बांग्लादेश को सपोर्ट करके उसका अलग देश वो बना, तो तब भी हम बांग्लादेश से कुछ ना कुछ टेरिटरी ले सकते थे ना, एनक्लेव्स थे, उन एनक्लेव्स को तभी ले लेते, वो अभी सेटल किए हैं, करंट गवर्नमेंट ने 4-5 साल पहले सेटल किए हैं एनक्लेव्स, तभी कर लेते। 1965 में हमने तो 1000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर तक की टेरिटरी ले ली थी, 1100 स्क्वायर, हमने कुछ नहीं किया, हमने वापस कर दी टैशकंट एग्रीमेंट में। तो हमारी टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, दे शुड अंडरस्टैंड, दे शुड ट्राई टू नॉट इंटरवीन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया। और रिलीजियस
रिलीजन को ओपियम की तरह यूज करना। आप यूएई की प्रोग्रेस देखिए एज अ मुस्लिम नेशन, दे आर लार्जली ओपनिंग अप मोर एंड मोर। सऊदी अरेबिया में जैसे तबलीगी जमात जो है वो सऊदी अरेबिया ने बैन कर दिया, दे हैव बैन तबलीगी जमात। तो पाकिस्तान हैज टू थिंक थ्रू, वो लोग इतना प्रोग्रेसिव चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश में, कोशिश तो कर रहे हैं ना, आपको भी करनी चाहिए। इट इज इन देयर इंटरेस्ट टू हैव पीस विद देयर नेबर्स। तो मैं तीन चार चीजें कंक्लूजन में एक ऐड कर देता हूं। नंबर वन, रिलीजन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट रिलीजन के बेसिस के ऊपर आप चलाएंगे तो आप, इट इज इम्पॉसिबल इन द मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स, जहां के इंटरनेशनल कंप्लायंसेस इतनी ज्यादा हैं, आप इसको उस हिसाब से नहीं कर सकते। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान रियली नीड्स अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। पाकिस्तान ट्रीटमेंट ऑफ पीपल इन खैबर पख्तूनख्वा, वहां के लोगों का जो डेमोग्राफिक वो चेंजेस कर रहे हैं, वहां की शिया पॉपुलेशन को जैसे प्रोसिक्यूट करके कन्वर्जन हो रही है, शिया पॉपुलेशन इन खैबर पख्तूनख्वा एंड ऑल्सो इन गिलगित बाल्टिस्तान हैज हैड अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन द लास्ट 20 ईयर्स, पर्टिकुलरली इन द गिलगित बाल्टिस्तान एरिया ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, द शिया पॉपुलेशन हैज डिमिनिश्ड सिग्निफिकेंटली। सिमिलरली इन बलोचिस्तान, बलोचीज आर वेरी प्राउड पीपल ऑफ देयर ऑन ऑफ देयर ऑन एंसेस्ट्री, उनका अपना लैंग्वेज है, कल्चर है, उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उसके लिए उनको आई थिंक दे मस्ट ट्राई टू फाइंड अ मैकेनिज्म। अदरवाइज द वे आई सी द थिंग्स करंटली, इट विल बी इफ बलोची इज रिसॉर्ट टू एन आर्म स्ट्रगल, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू फाइट इट आउट बिकॉज ऑफ द डेप्रेविटी ऑफ रिसोर्सेज विद पाकिस्तान टुडे। फाइनली मेरे ख्याल से गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, जिसको ये बोलते हैं और हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां आजादी नहीं है, वहां कोई आजादी नहीं है, देर इज नो आजादी। आई बिलीव दैट सम सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशन टू कश्मीर प्रॉब्लम शुड बी अंडरटेकन विद द सेटलमेंट ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट। उसको कैसे करना है, किस फॉर्म में करना है, आई आई रियली हैव नो कॉमेंट ऑन दैट। इंडिया बिलीव्स दैट गिलगित बाल्टिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने उनको ऑक्यूपाई करके वहां पे वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कश्मीर का कुछ हिस्सा चाइना के पास है और बहुत बड़ा हिस्सा लेह लद्दाख का जो जो अक्षय चिन्ह है वो चाइना के पास है, सक्षम वैली चाइना के पास है। तो इट्स अ ट्राई पार्टी डिस्प्यूट। इसको पाकिस्तान अपने लेवल पे जितना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे उतना अच्छा है। बट अगेन टुडे वी मस्ट रिमेम्बर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एक्शन इन बांग्लादेश। 16 दिसंबर बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, वी शुड रिमेम्बर इट, द फॉल ऑफ ढाका। एंड वी मस्ट ऑल्सो रियली रिकग्नाइज द पुअर पीपल ऑफ बांग्लादेश हु वर रिसोर्सलेस, हु फॉट and try to get a nation for themselves. Bangladesh too should retain its secularism. Bangladesh में भी elections हैं, आपको पता है। Bangladesh में बहुत सारी interference की बातें आ रही हैं कि उनकी election में interference। Bangladesh में जो consistency of policy जो चाहिए, शेख हसीना जी who has been the helm of affairs in Bangladesh is a daughter of शेख मुजीबुर रहमान। By the way, आपके viewers को जानकर ये हैरत होगी कि मुजीबुर रहमान, जिन्होंने लड़कर अपनी जान को दांव पे लगाकर बांग्लादेश बनवाया और बनाया और उसके उसके प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, 4 साल बाद बांग्लादेश की आर्मी के ही लोगों ने उनके घर में जाकर उनके पूरे परिवार को मार दिया था। और वहां पर अभी भी देर आर रेमिनेंट्स ऑफ फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स एंड द गवर्नमेंट देयर टू has to understand that this these atrocities against the minorities there or against the people who are not in line with this open secular thinking cannot be tolerated and has to be condemned. Bangladesh mein situation is much better. Bangladesh has grown very fast in the last few years compared to Pakistan. Their GDP
पर कैपिटा इज हायर देन पाकिस्तान, दे आर हायर ऑन मेनी हेल्थ पैरामीटर्स कंपेयर टू पाकिस्तान, एंड दे हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, पर्टिकुलरली ऑफ कॉटन एंड कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश. तो बांग्लादेश हैज हैड एन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान, देयरफॉर दे मस्ट रिटेन दैट बाय कीपिंग यू नो दिस फंडामेंटल रिलीजियस थॉट्स आउट ऑफ देयर माइंड्स एंड आउट ऑफ द माइंड्स ऑफ देयर कॉमन पीपल. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े ही कॉम्प्लेक्स इशू पे बड़ी तफसील के साथ हमारे व्यूज़ को बताया. मैं ये समझता हूँ कि आपका ये शो सिर्फ आज के कॉन्टेक्स्ट में ही इम्पॉर्टेंट नहीं, ये एक जिसे कहते हैं लाजवाल किस्म का शो है. इस सब्जेक्ट पे जब भी कभी कोई रिसर्च करे, ख़ास तौर पर साउथ एशिया के स्टूडेंट्स लोग, उनको चाहिए कि आपके इस शो को बहुत बार बार देखें, ताकि उनको हिस्ट्री के कुछ ऐसे फ्रेगमेंटेड पार्ट्स मिलेंगे आपके इस शो को देखने सुनने के बाद, जिससे वो डॉट्स मिला सकेंगे कि पाकिस्तान की जो डिसमेंबरमेंट 1971 में हुई, वो रास्ता वैसे का वैसा चल रहा है. और प्रोफेसर साहब, मैं ही ये बात नहीं कर रहा, आप ही ये बात नहीं कर रहे, ये खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं. इमरान खान की जमात, पीटीआई के लोग तो बार बार कह रहे हैं, 16 दिसंबर को दोहराते हैं, वो ये कहते हैं कि ये 16 दिसंबर अब पाकिस्तान आर्मी फिर दोहरा रही है, जिस तरह पीटीआई के लोगों पर एक्स्ट्रा जुडिशल इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं. मैं पीटीआई के माइंडसेट का हामी नहीं हूँ, मगर बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर कोई नज़र नहीं आता. बलोच भी इस बात को दोहराते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी दोहराते हैं, कुछ सिंधी भी दोहराते हैं, पंजाबी भी हत्ता के इस बात को दोहराते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया आज. व्यूर्स, बातचीत सुन रहे थे आप प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की. आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इसी चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. और आप टैग टीवी की ऐप्स को एंड्रॉयड, एप्पल, रॉको और अमेजॉन फायर पे डाउनलोड कीजिए. यू कैन वॉच टैग टीवी न्यूज़ एंड व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट 24/7 थ्रू आर ऐप्स. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.